एमएस वर्ड की इस सीरीज़ में आज हम देखते हैं व्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू के कुछ कंटेंट्स बचे थे। हमने इसके पहले के वीडियोस में बाकी के ऑप्शंस के कंटेंट्स को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, रूलर्स, थंबनेल, डॉक्यूमेंट में इनका यूज़ हमने किया था। आज हम इसके बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। हम देखते हैं न्यू विंडो। एक ऑप्शन होता है होम के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो यहाँ पर फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है न्यू। न्यू से डॉक्यूमेंट फाइल न्यू आ जाती है, लेकिन कई बार हमें ऐसी आवश्यकता होती है कि हम डॉक्यूमेंट वही चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट को एक नए पेज में या फाइल में ओपन करना चाहते हैं, तो हम न्यू विंडो को क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि सेम डॉक्यूमेंट एक नए विंडोज़ में आ गया है। यहाँ पर ये फर्स्ट विंडो है, ये सेकंड विंडो है। इससे फ़ायदा ये है कि आप एक न्यू विंडो में लेकर के सेम उसी फाइल पर कोई भी काम कर सकते हैं। आपको बाकी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, साथ ही साथ एज इट इज़ जो फॉर्मेटिंग लागू हुआ है, जो अलाइनमेंट्स लागू किए हैं, जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट है, वो सब एक नई फाइल में यहाँ पर आ जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन है न्यू विंडो। इसी विंडो को एक साथ यदि दोनों विंडो को ओपन करना है तो अरेंज ऑल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक साथ विंडो ओपन हो जाएगा, है ना, ये अरेंज ऑल के माध्यम से जो मिनिमाइज रहेगा विंडो वो ओपन हो जाएगा। कई बार आवश्यकता लगती है हमें जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको अलग अलग विंडो में बांटने का, तो ऐसी स्थिति के लिए आप रिमूव स्प्लिट कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आप उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करना चाहते हैं वहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो विंडो है वो दो भागों में बढ़ चुका है। इस प्रकार से डिवाइड करने के लिए जहाँ से हमें डेटा को अलग डिवाइड करना है वहाँ से हम विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कर दिया, उसे रिमूव करना है तो रिमूव स्प्लिट को क्लिक करेंगे, जिससे जो आपने रिमूव किया था स्प्लिट किया था वो रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं का सेकेंडरी ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। यदि हम दोनों को कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रॉलिंग चाहते हैं तो स्क्रॉलिंग हम ले सकते हैं, ये दोनों ही स्क्रॉलिंग है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। स्विच विंडो, हमें एक से दूसरे विंडो पर जाना है तो हम स्विच कर सकते हैं, हालांकि डायरेक्टली भी हम क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस था हमारा न्यू विंडो, अरेंज विंडो, स्प्लिट। कभी कभार ही इन ऑप्शंस की आवश्यकता लगती है, खासतौर पर हम एज इट इज डॉक्यूमेंट पर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं, इसमें सब कुछ कॉपी हो जाएगा। साथियों, यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।